भाई थोड़ा सा बैठ के ले लो, एंटरटेनमेंट नहीं है। सर्वाननीय सह पोलीस आयुक्त वाहतूक श्रीमान मिलिंद बारंगेकरांनी वाहतूक पोलीस विभागाची धुरा हाती घेतली आणि वाहतूक विभाग खऱ्या अर्थाने अत्याधुनिकडे झेपावला। ज्ञान आणि विज्ञान आणि पारदर्शकतेची कास धरत सह पोलीस आयुक्त मिलिंद बारंगेकरांनी वाहतूक पोलीस दलात एक नव अत्यावश्यक आणि अत्याधुनिक स्वरूप देण्याच्या सृजन उद्देशाने आवर्जून प्रयत्न केले। आज वाहतूक विभाग प्रगत होता
पॉइंट प्रेझेंटेशन द्वारे सन्माननीय विलिंद भारे सर। माननीय श्री अमिताभजी बच्चन साहेब, एसीएस होम श्रीवास्तव साहेब, सीपी मुंबई पडसलगीकर साहेब, पीएस परिवहन मनोज सौनिक साहेब, एडीजी एचएसपी पद्मनाभन साहेब, देवेंद्र भारती साहेब, जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेशन अनुप कुमार सिंह साहेब, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रवीण गेडाम साहेब, आपण सर्व उपस्थित मान्यवर, 2017 जो रस्ता सुरक्षा सप्ताह आहे त्याचं ब्रीदवाक्य आहे सेफ्टी इज पेनफुल। या रस्ता सुरक्षा सप्ताहामध्ये आपण प्रयत्न करत असतो की जास्तीत जास्त जनजागृती, रस्त्यावरून मोटरिस्टला आणि पेडेस्ट्रियन्सला आपण कसं सुरक्षित पद्धतीने गाडी चालवू शकतो किंवा रस्त्याचा वापर करू शकतो याबद्दल विविध उपक्रमांमार्फत आपण जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत असतो। यंदाही या रस्ता सुरक्षा सप्ताहामध्ये आपण विविध उपक्रम हाती घेणार आहोत। उदाहरणार्थ काही रॅलीज ऑर्गनाईज करणार आहोत, काही ठिकाणी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाईज करणार आहोत, काही ठिकाणी ह्युमन चेन बनवणार आहोत, काही हेल्थ चेकअप कॅम्प्स आपण घेणार आहोत आणि असे वेगवेगळ्या स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये काही सेमिनार्स ऑर्गनाईज करणार आहोत। असे विविध उपक्रम आपण ह्या रस्ता सुरक्षा सप्ताहामध्ये घेणार आहोत आणि जे विविध ग्रुप्स आहेत ह्या रस्त्याचा वापर करणारे, ट्रक ड्रायव्हर्स आहेत, टॅक्सी असोसिएशन्स आहेत, काही पेडेस्ट्रियन्स आहेत, स्कूल चिल्ड्रन आहेत, सिनियर सिटीजन्स आहेत, आपण जास्तीत जास्त या संवर्गाला ॲड्रेस करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। हे सर्व करत असताना आमचं जवळजवळ 3,500 असलेलं मुंबई ट्रॅफिक पोलीस दल जे आहे हे सातत्याने विविध उपक्रमांद्वारे हे सर्व यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। हे उपक्रम केलेले आहे। महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचं सीएम फडणवीस साहेबांची जी आता नुकतीच 47,000 कॅमेरिस्ट चलन सुरू केलेलं आहे, त्यानंतर स्पीड कॅमेरे सुद्धा लावलेले आहेत। व्हायलेशन एक उदाहरण म्हणून दाखवत आहे की कशा पद्धतीने स्टॉप लाईनच्या पुढे उभ्या राहणाऱ्या गाड्यांना आपण लगेच त्याचं पिक्चर कॅप्चर करतो आणि त्याला चलन पाठवून देतो SMS द्वारे मोबाईल फोनवर। सीलिंग वर आहे, ईस्टर्न फ्रीवे वर आहे, MCGM हे आपल्याला लावून दिलेले आहेत, त्यामुळे आम्ही त्यांचे पण आभारी आहोत। आणि असे अजून 40 टॅक्स वॉलेट असू देत पेटीएम सारखं, तर त्याच्या थ्रू सुद्धा वोडाफोन एमपेसा यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण पेमेंट करू शकतो। पंचपुर उपस्थित सभी महानुभाव अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और अवसर दिया कि मैं न केवल जो कार्य वो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकूँ और बल्कि आप लोगों से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकूँ। यहाँ आने से पहले मैं अभी रामेंद्र के साथ जो सेंटर है जहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस अपनी नज़र रखती है प्रत्येक सड़क प्रत्येक गाड़ी के ऊपर मुंबई शहर के अंदर, सारी सुविधा को मैंने देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ। मैं सोचता था कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे यंत्र को असेंबल किया, उसको बनाया और कितनी जीवितता से अब वो हर एक इंसान जो कि गलती कर रहा है या कोई गाड़ी जो गलती कर रही है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये मुझे इस पर ज्ञान बिल्कुल नहीं था और आज मुझे उसका ज्ञान हुआ। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और आप सबको बहुत 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 सारे यहाँ पर बताए गए कि किस तरह से एक ऐप भी निकाला गया है जिसके ऊपर बहुत सारे यंत्र हैं जिससे अगर आपको कोई कष्ट हो ट्रैफिक में, गाड़ी में, सड़क के ऊपर, आप उसे संबोधित कर सकते हैं।
मैंने स्वयं वहीं पर बैठे बैठे अपने भी मोबाइल फोन पे वो MPD ऐप को इस पर डाउनलोड कर लिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐप आप कैसे करता है, लेकिन अगर मुझे सड़क पर कोई वायलेशन करते हुए देखा तो उसका भी फोटो मैं छाप दूंगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी यहाँ पर जितने भी व्यक्त आए उन्होंने बात की कि किस तरह से सुविधाएं बनाई गई हैं कि जो लोग गलती कर रहे हैं उनको कैसे पकड़ा जाए। मेरा सिर्फ एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि जो गलती करते हैं वो आम इंसान है, उनके पास लाइसेंस दिया गया है, वो गाड़ियाँ चलाते हैं, और जिन लोगों ने जिनको लाइसेंस मिला है उनको शिक्षा दी होगी भाई गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी होगी। जो ट्रैफिक के बारे में शिक्षा देते हैं उनकी शिक्षा कौन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर कमी महसूस हो रही है जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, और अगर वो सही शिक्षा दे रहे हैं तो फिर इतना ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ स्वयं और बहुत ही दुख होता है मुझे, मैं जो मेरे बार में स्कीम में रहता हूँ, और कई बार जब देखता हूँ कि कोई रेड लाइट तोड़ करके आगे चला गया है तो जब मेरी ग्रीन लाइट आती है तो मैं गाड़ी तेज भगा करके उसे रोकता हूँ, उसे कहता हूँ भाई साहब क्यों आपने रेड लाइट तोड़ा, अरे साहब गलती हो गई, एक सेल्फी मिले आपके साथ। वातावरण जो है ये बहुत ही गलत वातावरण है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट करता हूँ, कई बार देखता हूँ कि एक गाड़ी में पूरा परिवार जो है वो जा रहा है, सामने सीट के ऊपर पतिदेव जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, पत्नी बगल में बैठी है, उनका 3-4 साल का बच्चा वो गोद में बैठा हुआ है। सर ये बहुत बड़ी गलती है आप लोग करते हैं, जितने भी परिवार में बच्चे को कभी भी सामने वाली सीट पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले जो इंजरी होगी वो बच्चे को। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जी ने तो सीट बेल्ट बांध ली लेकिन बच्चे को सामने रखा हुआ है, बच्चे के पास सीट बेल्ट नहीं है। मैं मोटरसाइकिल के ऊपर देखता हूँ कि पूरा परिवार जो है, अब क्या करें, देखिए पूरा परिवार है उनके पास केवल एक तो क्या करें, वो उनको अगर घूमने जाना है तो सबको उसी मोटरसाइकिल पर बैठाएंगे, कोई लाइट के ऊपर बैठा है, कोई पेट्रोल टैंक के ऊपर बैठा है, बैठा है तो उसके भी पीछे बैठा है, लेकिन जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो वो बच्चे जो है उनको दुख और कष्ट किस तरह से इसको संभाला जाए इसका मेरे पास उत्तर नहीं है, लेकिन केवल इतना कह सकता हूँ कि बहुत सावधानी के साथ चलाएं। कई बार और ऐसा कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं खासतौर से जो लोग का एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उनके पीछे जो मोटरसाइकिल है क्योंकि उनके पास तेज गति वाली साइकिल है वो आगे बढ़ाते हैं देखने के लिए कौन जा रहा है, गणेश खान जा रहा है, सलमान खान जा रहा है, एक फोटो लेना चाहिए और सेल्फी लेने लगेंगे, ये बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार अभी हाल ही में 2-3 दफे मेरे साथ हुआ, मैंने देखा कि वो लोग सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और बहुत गंभीर तरह से वो घायल। जितने भी मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपा करके कि ये हमको मत जताएं कि आप किसी वेस्ट ट्रैक पर हैं और आप कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा या किसके साथ तस्वीर खींचनी है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मेरी केवल एक ही धारणा रही है, जब भी मैं विदेश जाता तो उस देश के ट्रैफिक सिस्टम जो है उसको देख करके मैं अनुमान लगाता हूं कि ये देश किस तरह का है, ये अच्छा देश है, ये नियमित रूप से चलने वाला देश है, क्योंकि यहां पर जो ट्रैफिक है वो बड़े डिसिप्लिन तौर पे चल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई विदेशी हमारे मुल्क में आए हमारे ट्रैफिक सिस्टम को देख करके अनुमान लगाए कि भारत देश जो है वो एक बहुत ही नियमित अच्छा देश है, क्योंकि उसका ट्रैफिक जो है वो सही तरीके से अनुशासन से चल रहा है। और मैं ऐसा मानना चाहता हूँ कि जिस तरह के साधन आज मैंने देखे हैं और जिस तरह से ये प्रयत्न हो रहा है मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत देश में भी इसी तरह की एक व्याख्या एक दृष्टिकोण होगा लोगों का जो हमारे देश में आते हैं। मैं बहुत बातें सुन चुका नारायण जी से, उन्होंने कहा कि देर आर मेनी पीपल हु आर ऑलमोस्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर दैट दे डोंट नो, सो आई वांट टू ऑफर माय सर्विसेज
to the Mumbai traffic police. And I have been saying this for many years, I have been meeting many officers. Please, if my face and my voice can sell Maggie noodles and can sell cement, why can't I can sell Gujarat tourism? Why can't I do something which is going to help the community and the city in the country? I volunteer my services, and at any given point of time, I am ready to not just sit with you to do it, but also construct creatively. क्या उस फिल्म में डालना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर जोर देना चाहिए, उसके लिए जितनी भी फिल्में आप बनाना चाहते हैं, कहीं भी उसका आप प्रचार करना चाहते हैं, कृपया हाथ जोड़कर मेरा इस्तेमाल कीजिए। मैं आज जितने भी यहाँ पर पुलिस से संबंधित लोग हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ आज के ट्रैफिक डे के अवसर पर, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वार्तालाप से जितना भी हमने कुछ सुना और कहा है, उससे कुछ ना कुछ इसका आप सब लोगों को लाभ होगा। आप सब लोग तरक्की के पथ पर चल रहे हैं, इसी तरह और आगे बढ़ें, भारत को और स्वच्छ और अच्छा बनाएं और ट्रैफिक सेंसिटिव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई साल पहले एक युवक अपने सपनों को मुट्ठी में लेकर अपनी ध्येय की ओर चल पड़ा। कभी पैदल चलता था, कभी साइकिल पे सवारी करता था, कभी थका भागा सा मरीन लाइन या नरिमन पॉइंट के बाकड़े में सो जाता था। आज वही युवक अपने परिश्रम, अपनी श्रद्धा, अपने कला के प्रति और निष्ठा से न केवल मुंबई, महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान और सारे जग में जितने का बच्चा उनके लिए जोरदार आभार प्रदर्शन व्यक्त करते हैं। माननीय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय उपनगर वाहतूक श्रीमान संजय मोहिते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल मुंबई पोलीस दलातर्फे त्याचप्रमाणे मुंबई ट्रॅफिक पोलीस दलातर्फे मी आभार मानतो। ही जागा कार्यक्रम येथे संपला असे जाहीर करतो। जय हिंद। मागे शांत महत्वाचं कार्य आपलं राहून गेलेलं आहे।